जी गुरुदेव। चलो आंखें खोलो बालकनाथ। हे भोलेनाथ, बालकनाथ का प्रणाम स्वीकार करो। बालकनाथ, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी कठिन तपस्या, बताओ आपकी क्या मनोकामना है बालकनाथ? हे भोलेनाथ, मुझे आपकी आराधना के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हे भोलेनाथ, मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा सदैव आपके भक्त पर बनी रहे। बालकनाथ, तुम्हारी आराधना असीम है। तुम अपने भक्ति भाव, कर्म और आचरण के कारण सदैव पूजनीय रहोगे। कलयुग में तुम्हारे अनेकों मंदिर होंगे, जहां पर भक्तों के सभी कष्ट दूर होंगे और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये हमारा आशीर्वाद है। मैं धन्य हो गया भोलेनाथ। बालकनाथ, तुम्हारी कीर्ति सदैव बनी रहे। जाओ बालकनाथ, जिस परियोजन से आप यहाँ अवतरित हुए हैं उसे पूर्ण करो।
मेरी
रेंजर। प्रणाम योगीनाथ। आप रुकिए, मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। माई माई, मुझे भिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या मुझसे कोई भूल हुई है योगीनाथ? माई, मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ। नहीं योगीनाथ, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ माई? हे योगीनाथ, मैं तो पहले ही अपने पापों की सजा भोग रही हूँ। भगवान ने मुझे कोई औलाद नहीं दी। एक पति का सहारा था, वो भी चला गया। अब मैं आपसे सेवा करवा कर और पाप के भागी नहीं बनना चाहती योगीनाथ, नहीं बनना चाहती। मगर अपने पुत्र से सेवा करवाना कोई पाप तो नहीं है? पुत्र? आप मेरे पुत्र नहीं है। नहीं है योगीनाथ। मैंने आपको माई कहा है तो मैं आपका पुत्री हुआ ना? नहीं, नहीं, नहीं योगीनाथ। माई, आप गाय चराते हो ना? माई, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कल से मैं आपकी गाय चराया करूंगा। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य होगा। भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहो बेटा। माई, आप मुझे कभी किसी बात का ताना नहीं देंगी। मैं आपको ताना क्यों दूंगी बेटा? माई, अगर आपने मुझे कभी भी किसी भी बात का ताना दिया तो मैं आपकी और सेवा नहीं कर पाऊंगी। ठीक है बेटा। गौ माता, मेरा ध्यान का समय हो गया है, अतः आप भी भोजन कर लीजिए, मैं अभी आता हूँ। Om Namah Shivaya। 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 Om Nam
बेटा मैं भोजन लाई हूँ, भोजन कर लो। माई आप ये छाछ इसमें डाल दो और रोटी यहाँ रख दो। माई एक बात कहूँ, आप बुरा मत मानो। हाँ बेटा कहो। माई यह समय मेरे ध्यान का होता है, अतः आप शायद इसमें डाल जाया करो और रोटियाँ यहाँ रख जाया करो, जिससे मेरी तपस्या में भंग न करो और मुझे जब भूख लगेगी मैं खा लूँगा। मगर बेटा अगर गाय इधर उधर चली गई तो? आप चिंता न करें माता, गौ माता कहीं नहीं जाएगी। ठीक है बेटा, शाम को घर जल्दी आ जाना, यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा रहता है। ठीक है। नागराज का प्रणाम स्वीकार करे बालक नाग, मैं वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। हे बालक नाग, मुझे अपनी शरण में ले लो। Thank you.
गुरुदेव, काफी समय हो गया चलते चलते, क्यों ना विश्राम किया जाए। ठीक है अमरनाथ। मैं आपके लिए कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। ठीक है अमरनाथ। बाबा, आप कहां से आए हो योगीनाथ? हम गुरु गोरखनाथ के चेले हैं, आपके गांव में भिक्षा लेने के लिए आए हैं। भिक्षा? हमारे यहाँ भी एक बाबा बालकनाथ नाम के साधु है, उन्होंने तो कभी भिक्षा नहीं मांगी और ना ही वो कभी भोजन करते हैं। तो वो खाते क्या है? हमने तो उन्हें आज तक कुछ खाते हुए नहीं देखा, वो तो बस तपस्या में लीन रहते हैं। और हाँ, जब वो कड़ी धूप में तपस्या करते हैं तो स्वयं शेषनाग भी उनकी छाया करते हैं। अलौकिक तेज है उनका। शांत हो जाओ, तुमने हमारे गुरु का अपमान किया है। हम यहाँ भिक्षा के लिए आए हैं, किसी की प्रशंसा सुनने नहीं। क्या हुआ अवगढ़नाथ? गुरुदेव, चलिए यहाँ से कहीं और चलते हैं। मगर क्या हुआ अवगढ़नाथ, तुम तो भिक्षा लेने गए थे। गुरुदेव, यहाँ एक बालकनाथ नाम का साधु है जो कभी भोजन ही नहीं करता। सभी गांव वाले उसी का ही गुणगान कर रहे हैं। वो कहते हैं बाबा बालकनाथ तो कभी भोजन नहीं करते और ना ही भिक्षा मांगते हैं, फिर आप क्यों मांग रहे हो? क्या सोच रहे हो गुरुदेव? चलो अवगढ़नाथ, आज बालकनाथ से मिल लेते हैं। मगर गुरुजी, चलो अवगढ़नाथ।
अरे मेरी सारी फसलें बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गया। रत्न ही गाय मेरी सारी फसलें खा गई। चलो मुखे के पास चलता हूं। मुखिया जी, अरे क्या हुआ रामलाल? मुखिया जी, रत्ना की गाय मेरी सारी फसलें खा गई। क्या? रत्ना की गाय तेरी सारी फसलें खा गई? अब मैं आपके पैसे कहां से दूंगा मुखिया जी, मैं बर्बाद हो गया। चलो रत्ना के पास। रत्ना, अरे ओ रत्ना, कहाँ मर गई? हाँ मुखिया जी, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे तुम्हारी गाय ने रामलाल के खेत में घुसकर उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी। अब उसका हर्जाना कौन देगा? हमें माफ कर दो मुखिया जी, मैं गरीब लाचार औरत कहाँ से आपकी भरपाई कर पाऊंगी? इसका फैसला तो पंचायत करेगी। और हाँ, अपने उस गवाले को भी लेकर आना, बड़ा साधु बना फिरता है। मगर मुखिया जी, उस बालक का क्या कसूर है? अरे वो तो ढोंगी है, रोटियों के लिए गाय चराता है, वरना साधु कहाँ किसी की गाय चराते हैं। हर जाना तो भरना पड़ेगा, ये घर बिक जाएगा तुम्हारा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, आप एक बार मेरे साथ चलो, मैं उस बालक से पूछ तो लूं। चलो चलो। जी हैं। आज तेरे कारण इनकी मुझे जलीकटी बातें सुननी पड़ी। क्या मैं तुझे इतने दिन से इसलिए रोटी खिला रही हूँ कि मुझे दुनिया की बातें सुननी पड़े?
परंतु माई हुआ क्या है? क्या नहीं हुआ, तुम तो यहाँ बैठे रहते हो और इन किसानों की फसल गाय खा गई, और उन फसल का हर्जाना मुझे घर बेच के करना पड़ेगा। पर माई, इनकी तो फसलें गाय ने खाई नहीं, फिर हर्जाना कैसा? अच्छा, तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? इनकी फसलों का नुकसान तो भरना पड़ेगा तुम्हें। अगर आपकी फसल नष्ट नहीं हुई, क्या फिर भी? ये कैसी बात कर रहे हो मूर्ख बालक? माई, अगर इनकी फसलों का नुकसान हुआ है तो हर्जाना मैं दूंगा, आप जाकर फसलों को देख कर आओ। हमसे चालाकी करते हो बालक, और सोचते हो कि हम जाए और तुम यहाँ से भाग जाओ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर आप लोगों को शंका है तो आप में से कोई व्यक्ति यहाँ रह सकता है। ठीक है, अब तक हम फसल देख कर आते हैं, ये यहीं पर बैठेगा। तुम यहाँ रुको, हम देख कर आते हैं। यहाँ बैठ, हम देख कर आते हैं। चलो भाई। अरे रामलाल, तुम तो कह रहे थे कि रत्ना की गाय ने तुम्हारी सारी सारी फसल बर्बाद कर दी, ये तो ऐसी की ऐसी खड़ी है। मुखिया जी, जब मैं पहले आया सारी की सारी फसलें बर्बाद हो चुकी थी, ये तो चमत्कार हो गया। चलो बाबा के पास चलते हैं, आओ चलते हैं। बाबा जी, हमें माफ कर दो, न जाने अनजाने में हमने आपको क्या क्या कह दिया। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। कल्याण हो। क्या हुआ मुखिया जी? फसल तो वहाँ पर सब ठीक ठाक है। मुझे भी माफ कर दो बेटा, मुझे भी माफ कर दो। माई, आपने मुझे रोटी का ताना दिया था ना? ये रही तुम्हारी शर्ट। भाई, आप मेरे साथ आइए। मुझे भगवान को माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाई, और जाने पता नहीं इस जाने में मैंने क्या क्या कह दिया। मुझे माफ कर दो।
मुझे आपने माँ कहा है ना, अपनी माँ को माँ अपने करोगे। माई आप चिंता ना करे, मैं आपका बालक हूँ, बालक ही रहूंगा। मगर मगर क्या बेटा? माई मैंने आपसे पहले कह दिया था, अगर आपने मुझे कभी भी किसी भी चीज का ताना दिया तो मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। माफ कर दो बेटा, मेरा और आपका साथ इतना ही थमा था, मुझे जाने की आज्ञा दे। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, किसके लिए रोटियां बनाऊंगी, शाम को किसका इंतजार करूंगी, और ये गईया। माई आप रोए नहीं, ठीक है मैं यही रहूंगा, मगर आप मेरे लिए रोटियां नहीं लाएंगी। यह बालक तो कोई बहुत बड़ा तपस्वी लगता है। तुम हमें कोई और चमत्कार भी दिखा सकते हो? मैं तपस्वी हूँ, मेरा कर्म तपस्या करना है, चमत्कार करना नहीं।